नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट शेखावाटी न्यूज। एक ऐसा पक्षी जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। जी हाँ, मातृत्व शक्ति और निडरता से मजबूत एक ऐसा अनोखा पक्षी जो उड़ता कम है और अधिकांश समय जमीन पर बिताता है। टिटैरी नामक ये पक्षी भारत के हर राज्य में पाया जाता है। टिटैरी की उम्र 6 से 15 साल मानी जाती है। ये सामान्यतः 4 अंडे देती है। अंडे देने के बाद नर तथा मादा दोनों अंडे सेते हैं। मादा टिटैरियों का कद नर की तुलना में छोटा और रंग फीका होता है। टिटैरियाँ बाहरी आक्रमणों के प्रति निरंतर सजग रहती हैं। खतरा महसूस होने पर यह तेज आवाज़ करती हैं और आक्रांता पर झपट पड़ती हैं। टिटैरी की खास बात यह है कि ये कभी पेड़ पर नहीं बैठती और यह हमेशा कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। नर टिटैरी पक्षी मादा को रिझाने के लिए हवाई करतब दिखाता है और तेज उड़ता हुआ हवा में गोते लगाता है। आखिर टिटैरी पेड़ पर क्यों नहीं बैठती? देखिए, टिटैरी कभी पेड़ पर नहीं बैठती, यहाँ तक कि ऊंची दीवारों, खंभे, तारों पर भी नहीं बैठती, क्योंकि टिटैरी के पंजे धरती पर चलने के अनुकूल हैं। अर्थात टिटैरी के पंजे में आगे की 3 अंगुलियाँ होती हैं, किंतु पीछे की अंगुलियाँ नहीं होती, जो प्राय पेड़ या टहनी को पकड़ने के काम आती हैं। पीछे की अंगुली नहीं होने के कारण टिटैरी पेड़ या टहनी को पकड़ नहीं पाती, जिस कारण वह पेड़ पर नहीं बैठती। कहा जाता है कि यदि टिटैरी अपने स्वभाव से अलग ऊंचाई पर बैठी दिखाई दे तो कोई बड़ी आपदा या विपत्ति आने के संकेत होते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है कि टिटैरी को मौसम और आने वाली आपदाओं का पूर्वानुमान हो जाता है, जिससे बचने के लिए यह अपने स्वभाव से अलग ऊंचाई पर बैठती है। टिटैरी के अंडों का रहस्य। टिटैरी आमतौर पर 3 या 4 अंडे देती हैं और अधिकतम 6 अंडे दे सकती हैं। टिटैरी के अंडों से कई प्राचीन मान्यताएं और रहस्य जुड़े हुए हैं। टिटैरी का अंडा और पारस पत्थर। आपको बता दें, पारस पत्थर अत्यंत रहस्यमय और कीमती पत्थर होता है, जो हर किसी को आसानी से नहीं मिल सकता। प्राचीन मान्यता है कि टिटैरी अपने अंडों को तोड़ने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल करती है। टिटैरी यह पारस पत्थर कहाँ से लाती है, ये कोई नहीं जानता, किंतु टिटैरी को पारस पत्थर की जानकारी अवश्य होती है, जिससे वह अपने अंडों को तोड़ने के काम लेती है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में तथा पुरानी कहानियों में भी पारस पत्थर का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि यदि पारस पत्थर लोहे को छू ले तो वह लोहा सोना बन जाता है। कहा यह भी जाता है कि पारस पत्थर लालची लोगों को नहीं मिलता। टिटैरी को पारस पत्थर की कीमत और गुणों से कोई लेना देना नहीं होता, उसे तो सिर्फ अपने अंडों को तोड़ने के लिए चाहिए। टिटैरी के अंडों से मौसम और बारिश की जानकारी। टिटैरी के अंडों से बारिश की भविष्यवाणी की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। आज भी ग्रामीण लोग और किसान टिटैरी के अंडों को देखकर बता देते हैं कि इस वर्ष बारिश कैसी होगी। टिटैरी किसी ऊंचे स्थान या खेत की मेड़ पर अंडे देती है तो उस वर्ष अच्छी बारिश होती है। यदि टिटैरी नीचे स्थान पर या कम अंडे देती है तब कम बारिश होती है और सूखा पड़ने की संभावना होती है। आखिर आज की यह रोचक जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी के माध्यम से बता सकते हैं। हालांकि डे नाइट शेखावाटी चैनल बताए गए तथ्यों की 100% पुष्टि नहीं करता, यह प्राचीन मान्यताओं के ऊपर आधारित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।